इवन आप मुझे बताइए, आप डांस प्लस में आना क्यों चाहते हो? सर मैं डांस प्लस में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सॉरी क्यों? मेरी फैमिली को बहुत बड़ा टेंशन है इसका। सर मेरे पापा ने बैंक में 10 लाख रुपए लोन लिया था जो मुझे पूरा करना है। मतलब आपके पापा आए हैं साथ में आपके? सर पापा नहीं है, कोविड के टाइम पे छोड़ के चले गए। I'm so sorry for your loss. मित्रांनो आपण पाहिलं रागल ज्वाला हा सुद्धा एक सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेला माणूस आहे, त्याने गरिबी पाहिलेली आहे। आज तो लाखो रुपये कमवतोय, करोडो रुपये कमवतोय, तिथं बसलेल्या प्रत्येक व्यक्ती हा लाखात करोडोमध्ये कमवतोय। डिसूजा यांनी सुद्धा काही चित्रपट दिग्दर्शित केलेत, त्यांची करोडोमध्ये कमाई आहे, परंतु तिथं बसलेल्यापैकी राघव यालाच असं वाटलं की आपण ह्या व्यक्तीला सहकार्य केलं पाहिजे ह्या अडचणीमध्ये। यासाठी फार मन मोठं लागतं, विशाल लागतं, अतिशय कष्टातून पुढे गेला हा माणूस। आज त्याची एक चांगली बाजू आपल्याला दिसते, आज दिसते म्हणजे तो आज चांगला झाला असल्या भागने, पूर्वीपासूनच तो चांगला असला पाहिजे। त्यामुळंच त्याचं दुःख पाहिल्याच्यानंतर त्याला वाटलं की आपण ह्याला सहकार्य केलं पाहिजे। राघव ज्वेलच्या कार्याला सलाम आहे। असे लोक जर समाजामध्ये वाढत गेले तर त्याचा फायदा समाजाला निश्चितपणे होतो, अशा भावना असणाऱ्या लोकांचे हे प्रसंग आपल्याला ऐकायला भेटले, पाहायला भेटले। तर जितनी जल्द हो सके आपका कर्जा आपके ऊपर से उतरे। आपका कितना कितना है कर्जा? सर 10 लाख रुपए पापा लोन लिए थे तो शायद 8 बजे मिल गए सर। मेरे हिसाब से 8 बजे वो मैं कर दूंगा, आप मेरे पास आ जाना मेरे उससे। थैंक यू सो मच। कितना मुझसे हो पा रहे? 8 है ना आपका? 8 में कर दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा डांस भी करते हो यार। थैंक यू सो मच सर। आप अपना लोन भर देना बैंक वालों को देके, ठीक है? आपके जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर या चाहने वाले या किसी ना किसी को खोया है इस कोविड के चक्कर में, लेकिन और उसके बाद विद इन 2 मंथ्स, लेकिन इस दौर में भी आप उस दौर से निकले हो, इसका मतलब आपके अंदर जो विल पावर है वो शायद हमसे भी ज्यादा है। आप इस मंच पे खड़े हो और ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हो। पापा जब जा रहे थे ना, मैंने उनको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था मैं आपको शो पे 100% आपको अंदर तक लेके जाऊंगा, आपको स्टेज पे भी लेके आऊंगा कि पापा कोई भी पहला शो आएगा आप प्लीज गिव अप मत करो, इसलिए मेरे को शो पे मतलब पूरा जान क्यों ना लग जाए सर, ये शो पे आना ही है। फिलहाल उसकी पहली सीडी मैं देता हूँ। एवन आपने आपके पापा को प्रॉमिस किया था? हाँ सर।